नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीसी अड्डा पर। तो आज मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, ये था सहकारी संघवाद किसे कहते हैं और भारत के संदर्भ में आपको इसकी विवेचना करनी थी। 100 शब्दों में से लिखना था और ये प्रश्न पूछा भी गया है सहकारी संघवाद से रिलेटेड एग्जाम में। हालांकि सहकारी संघवाद कोई नई चीज नहीं है, और अगर आपको ये पता होगा कि भारत राज्यों का संघ है और इसके अलावा भारत में केंद्र राज्य के बीच में संबंध क्या है, शक्ति पृथक्करण का क्या सिद्धांत है, उसी के ऊपर ही ये पूरा प्रश्न है। तो यहाँ पर इस पूरे उत्तर के बाद में आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि ये चीज आपको पता तो थी, बस इसको आपको सही तरीके से लिखना था। देखिए, थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं कि सहकारी संघवाद यानी कि सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, जहां पर मिलजुल के काम करने की बात आए, और संघवाद एक विचारधारा है जहां पर मोस्टली समूह के रूप में शक्ति का बराबर विभाजन हो और पूरा काम किया जाए। तो सहकारी संघवाद उसी से रिलेटेड है, और भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति वो भी हमें चर्चा करनी थी। तो 100 शब्दों में है तो उत्तर बहुत छोटा जाने वाला है, क्योंकि 100 से ज्यादा मैंने इसे लिखा नहीं। चले, तो हमेशा एक तरह कुछ भूमिका के रूप में पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में संघीय परिप्रेक्ष्य अति आवश्यक है, जहां केंद्र एवं राज्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के सलाह पर नीतियों का निर्माण। तो कुल मिला के संघीय, जैसे कि भारत राज्यों का संघ है, सभी राज्यों से मिलकर बना है, और इसके साथ में एक चीज ये भी होना चाहिए, केंद्र राज्यों के मध्य मिलजुल कर सारे नीति निर्णय हो वह हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, जहां पर जो संघीय चीज हो वो अच्छे से काम करे। इसके अलावा बाद में है कि सहकारी संघवाद इसी विचारधारा का रूप है, जहां संघीय परिस्थिति में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का समान वितरण। तो कुल मिला के सहकारी संघवाद यही बात कहता है कि जहां पर राज्यों और जो केंद्र है उनके मध्य जो कुल मिला के जो शक्तियां हैं वो लगभग बराबर वितरण में हो और सभी को समान अधिकार मिले, कभी भी जो केंद्रीय सरकार है वह एकीकरण को प्राप्त ना हो, यह सहकारी संघवाद कहता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, सहकारी संघवाद किसे कहते हैं। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है तो वो भी हमें चर्चा करना रहेगा आगे। तो लगभग ये 40 शब्दों के आसपास ये हो जाएगा। देन उसके बाद 60 शब्दों में आप ये लिख सकते हैं कि सहकारी संघवाद की भारत में क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में सहकारी संघवाद उन्नत अवस्था में नहीं है। तो ये चीज इतना क्लियर कर देती है कि भारत में सहकारी संघवाद यानी केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण सही से नहीं है। लिखा आगे कि अपितु भारत का राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है ना, मतलब सहकारी संघवाद उन्नत अवस्था में तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर लिखा भले है कि जो भारत है वह राज्यों के संघ से मिलकर बनेगा, यानी कि भारत का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सभी राज्य जो भी हैं उनसे मिलकर ही बनेगा, एवं शक्तियों के वितरण में झुकाव केंद्र को प्राप्त है। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे पहले भी जब केंद्र राज्य संबंध को लेकर एक मैंने वीडियो बनाया था, अगर वो आपने देखा तो वहां पर आपको जरूर क्लियर हुआ होगा कि भारत में जो केंद्र है उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है बजाय राज्यों के मुकाबले। अब देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संघवाद की अपेक्षा प्रतिस्पर्धी संघवाद अधिक है, जहां केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग क्षैतिज नहीं लंबवत स्थिति में है। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पर बहुत भारी भरकम शब्दों का मैंने प्रयोग किया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर सहकारी संघवाद प्रतिस्पर्धी संघवाद अधिक है, मतलब ये कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार है राज्य में भी उसकी रही तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलती है, उसको ज्यादा सुविधा मिलती है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी मतलब कुल मिला के कि राज्य और केंद्र में सरकार सेम रही, और राज्यों में अगर प्रतिस्पर्धा अच्छी रही और जो राज्य अच्छा विकास को प्राप्त करेंगे तो उनको ही फायदा मिलेगा, केंद्र की तरफ से इतनी अच्छी सुविधा लगभग सभी राज्यों को नहीं मिलती है, जो राज्य विकसित है उन्हें फायदा स्वयं के रूप से ज्यादा मिलता है। और यही लिखा है कि क्षैतिज रूप में नहीं लंबवत स्थिति में, लंबवत मतलब जो प्रतिस्पर्धा अच्छे से करके आगे आ सके। और यहाँ लिखा है कि अर्थात केंद्रीय सत्ता एवं राज्य सत्ता की समानता ही राज्यों को अधिक लाभदायक परिस्थिति में रखता है। तो यहाँ पर बता दिया कि केंद्र और राज्य में समान सरकार हो तो बराबर स्थिति में रखता है, यानी कि राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा। लाइक दैट, अभी अगर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बहुत अच्छी स्थिति है वहां पर वित्त को लेकर भी, लेकिन अगर इसके अलावा पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है, जिन राज्यों में अगर बीजेपी सरकार ना हो। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अंत में फिर उपसंहार के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किंतु भारत में संघवाद विवाद का मुद्दा रहा है एवं राज्य सदैव सहकारी संघवाद की मांग करते हैं। मतलब कुल मिला के ये कि भारत में एक चीज याद रखिएगा कि संघ के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन संघवाद या महासंघ की परिभाषा नहीं है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्यों को बराबर शक्तियां मिलेगी, बस उनसे मिलकर भारत बना हुआ है, बाकी राज्यों को शक्तियां समान वितरित होगी या नहीं होगी इस पर कोई इस पर चर्चा नहीं है। हालांकि 7वीं अनुसूची है और
भाग जो 11-12 है उसमें इसकी अच्छे चर्चा है, और वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का समान वितरण नहीं, जब समान वितरण होगा ही नहीं तो संघवाद और सहकारी संघवाद उतने अच्छे स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं हो पाएंगे। तो साथियों एक छोटा सा प्रश्न था और उसका एक छोटा सा उत्तर हमने 100 शब्दों में इसको अच्छे से लिखा है। तो अगर आपको ये प्रश्न और इसका उत्तर अच्छे से पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर कल हम हाजिर होंगे एक नए प्रश्न के साथ और उसके उत्तर को लेकर। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।